नमस्कार, आपके साथ मैं सोनाली और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल राज्य में झाड़ग्राम जिले में इन दिनों झारखंड राज्य के दलवा जंगल से आए हाथियों ने तांडव मचा रखा है। जंगली हाथियों के झुंड ने पिछले एक सप्ताह में 5 लोगों की जान ली है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। जंगली हाथियों के तांडव के कारण झाड़ग्राम के बासिंदे दहशत में हैं और वन विभाग के प्रति अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चर्चित कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद अभिषेक बैनर्जी को सीबीआई ऑफिस बुलाया। कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआई ऑफिस में सांसद अभिषेक बैनर्जी की पूछताछ के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। दिल्ली से कोलकाता पहुंची सीबीआई असिस्टेंट डायरेक्टर की 5 सदस्यीय टीम ने घंटों पूछताछ की। पश्चिम बंगाल राज्य में शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन भवन में जांच करने पहुंची। सीबीआई की टीम के साथ डिजिटल डाटा एक्सपर्ट के लोग भी शामिल हैं। डिजिटल डाटा एक्सपर्ट ने प्राथमिक शिक्षा परिषद ऑफिस की सर्वर रूम की कर रही है जांच। कोलकाता हाई कोर्ट की देखरेख में सीबीआई पश्चिम बंगाल शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विधानसभा चुनाव केंद्र नंदीग्राम में राज्य के विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी से महज 1956 वोटों से हार गई थी एवं ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में मामला दायर कर पुनः गणना की मांग की थी, किंतु राज्य के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी अन्य किसी राज्य के हाई कोर्ट में मामला स्थानांतरण करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के आवेदन को खारिज कर पुनः मामला कोलकाता हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक नियुक्ति घोटाले के खिलाफ अब वामपंथी दलों के छात्र संगठन एसएफआई ने सड़क पर उतरकर विरोध करना शुरू किया है। सीपीएम की छात्र संगठन एसएफआई ने कोलकाता समेत जिले के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा बचाओ राज्य बचाओ स्लोगन के साथ प्रदर्शन करते दिखे। राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ हर दिन विरोधी दल प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में इन दिनों एक नारा काफी फेमस हो रखा है, जोर धरो जेल भरो। बीजेपी सीपीएम कांग्रेस सभी विरोधी दल इसी नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।